दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रेस बार एंड फॉर्म के ऊपर। दोस्तों प्रोग्रेस बार क्या होती है हमारी, जैसे कि आप कुछ मूवी वगैरह डाउनलोड करते हैं, एक बार होती है वो रनिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ डाउनलोड का बटन रखा है, जैसे ही हम डाउनलोड का बटन पे क्लिक करेंगे हमारी चीज़ डाउनलोड तो होगी, उसके साथ यहाँ पे दिखा रहा होता है वो डाउनलोड पर्सन की कि कितनी परसेंट डाउनलोड हुई है कितना नहीं हुआ, वो एक बार चल रही होती है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता वो बार चल रही होती है, तो मैं वही आज एप्लीकेशन में सिखाना है। तो दोस्तों जैसे मैंने बटन पर क्लिक किया, ये देखिए हमारी बार स्टार्ट हो गई। तो ये थी हमारी प्रोग्रेस बार दोस्तों। तो ये कैसे एप्लीकेशन में रखते हैं यही मैं आज आपको सिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है। जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं उसके अंदर बहुत सारा डेटा रखते हैं, जब वो डेटा रखते हैं मतलब कि जब हम रिक्वायरमेंट के साथ डेटा रखते हैं या कोई मूवी वगैरह रखते हैं अपनी एप्लीकेशन में, तो वहाँ पर एक ऑप्शन देखते हैं डाउनलोड का या इंस्टॉलेशन का। जब हम विंडोज़ वगैरह एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन देता है, तो जैसे हम क्लिक करते हैं ये डाउनलोड हो जाती है ये चीज़ें। तो आज यही प्रोग्रेस बार के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। और दूसरी चीज़ हम जो सीखेंगे वो है फॉर्म। जैसे कि हम फॉर्म सीखेंगे दोस्तों, ये कि हम एक फॉर्म पर है, हम क्लिक करते हैं दूसरे फॉर्म पर चले जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा होम का पेज होता है, जब हम होम के बटन पर क्लिक करते हैं तो उस पर बहुत सारे पेज आ जाते हैं। तो सिंपल मैंने ये फॉर्म है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा देखें दोस्तों मैं यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्म पर आ गया। मैंने जस्ट यहाँ पिक्चर रखी है, यहाँ पे हम टूल्स वगैरह भी रख सकते हैं अपने अपने हिसाब से जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे। ये जस्ट आपको समझाने के लिए सिंपल है। तो दोस्तों हम चलते हैं सिर्फ अपने काम की तरफ, ये जस्ट डेमो था तो हम सेम ऐसा ही बनाना है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमें आना है विजुअल पर। विजुअल पर आने के बाद दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट पर आना है। न्यू प्रोजेक्ट के बाद विंडोज विंडो फॉर्म एप्लीकेशन पर आना है। तो दोस्तों मैं आ गया विंडो फॉर्म एप्लीकेशन पर। तो दोस्तों ये है हमारी एप्लीकेशन। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें सिंपल क्या लेना है, प्रोग्रेस बार। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रोग्रेस बार ले ली। तो मैं यहाँ पे ये रख देता हूँ, ये हमारी प्रोग्रेस बार है। तो दोस्तों ये रख दी प्रोग्रेस बार को। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, हमें लेना है टाइमर। तो दोस्तों ये है हमारा टाइमर, तो इसको भी क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। ये टाइमर हमारा यहाँ आ गया। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, दो बटन लेना खाली, डाउनलोड के लिए और फॉर्म के लिए। तो मैं बटन एक और यहीं से कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों, बटन टू। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इनके नाम चेंज कर देता हूँ, लेफ्ट क्लिक करके प्रॉपर्टी माना, प्रॉपर्टी माने के बाद यहाँ पे नेम चेंज कर देता है। डाउनलोड, और इस पे फार्म कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों हमें सबसे पहले करना है बटन के ऊपर आना है। तो दोस्तों हम जैसे बटन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हमें लिखना है दिस डॉट टाइमर डॉट स्टार्ट। हम इसको क्लोज कर देंगे दोस्तों, जैसे क्लोज करेंगे यहाँ पे सेमी कॉलम दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ सेमी कॉलम देंगे, अब हम क्या आएंगे दोस्तों टाइमर पर, हम टाइमर पे क्लिक करेंगे दोस्तों। ये आ गया हमारा टाइमर, देखिए टाइमर ट्रिक के नाम से। तो हम यहाँ आ गए, तो दोस्तों हम यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों, अब हम लिखेंगे दिस डॉस प्रोग्रेस प्रोग्रेस बार डॉट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। अब इसको हम दे देंगे वन, हम जैसे वन देंगे दोस्तों ये हमारी हो गया। तो दोस्तों हम देखें, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ देखें मैंने डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक करा ये हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। ये थी हमारी प्रोग्रेस बार। तो देखा आपने सिंपल है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं था। तो दोस्तों अब मैं आपको सिखाऊंगा फॉर्म। तो हम एक फॉर्म पर रहकर दूसरे फॉर्म पे कैसे काम कर सकते हैं, तो सिंपल है दोस्तों, इसके लिए भी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से। तो दोस्तों ये है हमारी सोल्यूशन एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर आपके पास नहीं आता तो आप यहाँ पर व्यू में, व्यू में आने के बाद ये रहा सोल्यूशन एक्सप्लोरर। तो दोस्तों इस पर क्लिक करें, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगा।
तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, जो आपकी विंडो फॉर्म की एप्लीकेशन का नाम होगा ये वही नाम आएगा। इस पर लेफ्ट क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करने के बाद एड पर आना है, एड पर आने के बाद न्यू आइटम पर, न्यू आइटम के आने के बाद दोस्तों विजुअल सी शार्प आइटम विंडोज़ फॉर्म, इस पर आने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, एड उसका नाम चेंज करना है, तो कर लें आप, मैं यहाँ पर एड कर देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा न्यू फॉर्म आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ भी काम कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे मैं जस्ट दोबारा अगेन पिक्चर दे देता हूँ, क्योंकि फिर अभी हम छोटा काम कर रहे हैं, जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे इसकी कंप्लीट तो यहाँ पे हम बहुत सारा काम करेंगे इसके ऊपर, फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पिक्चर रख देता हूँ अपनी, तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये पिक्चर रख देता हूँ। दोस्तों जैसे आ गया, मैंने आपको अपने पिक्चर में बताया था, ये हमारी पिक्चर आ गई दोस्तों। तो दोस्तों अब हमें क्या क्या करना, हमें फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे फॉर्म पे क्लिक करेंगे, अब इस पे हमें क्या लिखना है दोस्तों, फॉर्म के हमें फॉर्म टू हम देंगे यहाँ पे कीवर्ड ऑब्जेक्ट, ओबीजे दिया इक्वल न्यू फॉर्म टू, हमने इसको ब्रैकेट दे दिया। ब्रैकेट देने के बाद दोस्तों ओबीजे डॉट शो, तो दोस्तों आप देखते हैं, तो दोस्तों ये देखिए मैं जस्ट फॉर्म पे क्लिक करूंगा, ये हमारा नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो गया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी कि प्रोग्रेस बार भी एंड फॉर्म पर, कि हम एक फॉर्म पर रहकर दूसरे फॉर्म पर कैसे एग्जिट कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आएगी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।